नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट शो, जो कि अभी तक फेवरेट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, तेरी कह के ले लूंगा द रोस्ट शो। तो आज हम जिसकी लेने वाले हैं उसका नाम है क्रेजी दक्ष। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको नहीं पता कि क्रेजी दक्ष कौन है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता cuz no one give a fuck about him, well, हम आपको बता दें कि यह बंदा अपने आप को यूट्यूबर कहता है। सिर्फ यही बंदा अपने आप को यूट्यूबर कहता है, बाकी सभी से चप्पल पे लगा हुआ गू कहते हैं। तो इस बंदे ने अपने चैनल की पहली वीडियो के नाम पे जो धोखा अपलोड किया था, उस धोखे को ये ऑफिशियल ट्रेलर कहता है क्रेजी दक्ष का। और वो ट्रेलर इतना टट्टी ट्रेलर है, मैंने आज तक ऐसा ट्रेलर किसी का नहीं देखा और शायद मैं कभी देखूंगा भी नहीं। इतना गंदा ट्रेलर है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे दस्त हो गए थे और अभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे पोटी आ जाती है, जो कि मुझे अभी आ रही है। चलो, एक वीडियो गंदी बनाई तो बनाई, हो गई गलती भाई बेचारे से, गलती से बन गई एक वीडियो गंदी। लेकिन नहीं, उस गलती से तो ये कुछ सीखा नहीं, उसके बाद इसने 10-15 वीडियो और ऐसी बना डाली। अरे भाई, हिम्मत कैसे आती है ऐसे लोगों में। मैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि वो बीफ बैन कर रही है, वो पॉर्न बैन कर रही है, लेकिन ऐसे चुतियों क्या, इन्हें क्यों नहीं बैन कर रही, जनता जवाब चाहती है आपसे। इस बंदे की चुतियापे का लेवल तब बढ़ गया जब इसने पब्लिक प्लेस में लोगों के बीच भोजपुरी गाने पे डांस किया। अब मुझे कोई एक बात बताओ, जिसकी शक्ल ही रिक्शे वाले जैसी हो वो तो भोजपुरी गाने पे ही डांस करेगा ना, नहीं तो क्या जस्टिन बीबर के सॉरी पे डांस करेगा। यार, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, इस बंदे ने अपनी गांड में स्प्रिंग ले रखी है क्या, जब भी हंसेगा हिलने लगेगा, वाइब्रेटिंग डिल्डो गई का। देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यार, इस बंदे की शक्ल इतनी मनहूस है ना कि लोगों ने तो इसके इंटरव्यू में आना ही बंद कर दिया। और इसकी बेशर्मी की हद देखो, कुत्तों तक को नहीं छोड़ा भाई, कुत्तों का इंटरव्यू ले रहा है भाई। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, जहाँ तक है मैं सही हूँ, क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा क्रेजी दक्ष के बारे में और उन्होंने जो बोला वो आपको हैरान बिल्कुल नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या बोला। छिपकली की गान से टपका हुआ पसीना। आप जैसा कि देख सकते हैं, लोग उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहे, सीधा गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमने एक लड़की से क्रेजी दक्ष के बारे में कुछ पूछ लिया, वो तो इतना गुस्सा हो गई कि हमारे रिपोर्टर को ही गाली देने लग गई। ये देखिए, कमीने, चुप हो जा, बाहर हो जा। यार, क्रेजी दक्ष मतलब क्या यार, क्यों मतलब यार, तूने क्यों लोगों को परेशान कर रखा है। तू मुझे एक बात था, तू अपनी शक्ल के हिसाब से कोई काम क्यों नहीं करता, क्यों तू यूट्यूबिंग के पीछे पड़ा है जो तेरी बस की नहीं है यार। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई, तेरे को नहीं पता कि तेरे को फ्यूचर में क्या बनना है और तेरे को कैसा काम करना चाहिए। अरे यार, मैं तेरी मदद करता हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। तू एक काम कर, तू क्यों नहीं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे बैठ के लोगों के कान से मैल निकालने का काम शुरू कर दे। अबे बहुत चलेगा तेरा, तेरी शक्ल ही ऐसी, लोग तेरे पास बहुत आएंगे। अगर तेरे को ये भी नहीं करना, अगर तेरे को लग रहा है कि भाई इसके लिए तू क्वालिफाइड नहीं है, जो कि शायद तू नहीं है, तो तू एक काम कर, तेरे लिए बेस्ट जॉब है, तू मेडिकल लैब में लाश का काम कर ले। बच्चे थोड़ी बहुत चीर फाड़ करेंगे यार, कुछ सीख ही लेंगे तेरे से। वैसे लोगों की तो दूर की बात है, अरे इसके खुद के माँ बाप जब इसकी शक्ल देखते हैं इसे चप्पल मारना स्टार्ट कर देते हैं, जूते मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, हमने इस लड़के के माँ बाप से भी बात की और उनका ये कहना है कि उन्हें यकीन है कि उनका लड़का हॉस्पिटल में चेंज हो गया है। तो दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका लड़का हॉस्पिटल में चेंज हो गया है, तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल कीजिए और इस दुखियारे माँ बाप की मदद कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी यूट्यूबर्स को क्रेजी दक्ष के बारे में क्या कहना है। दक्ष द, 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 दक्ष दक्ष के बारे में बात कर रहे हो? वो दक्ष, वो क्रेजी दक्ष, क्रेजी दक्ष, हाँ क्रेजी दक्ष। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा है वो चूतिया सा लौंडा, चूतिया से कैरेक्टर बना के, उन्हें चूतिया से कपड़े पहना के चूतिया सी एक्टिंग करता है, उसके बारे में बात करोगे तुम? अब बहुत मारूंगा मैं, क्रेजी दक्ष के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी, चूतिया सा लड़का, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसकी एक्टिंग देख के हगना आ जाता है मेरे को, टट्टी आने लगती है मेरे को उसकी एक्टिंग देख के, इतनी इतनी वाहियात एक्टिंग, इतनी वाहियात एक्टिंग। आपने जैसा देखा कि क्रेजी दक्ष से सिर्फ आम जनता ही नहीं, उसके माँ बाप ही नहीं, ये लड़का भी कितना तंग है। अरे भाई, इस लड़के ने तो यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा,
मैं तो इस बंदे से यही कहना चाहूंगा कि अगली बार तुम क्रेजी दक्ष को देखो तो उसको चप्पल जूते मारो, और भाई जो तूने हाथ में डंडा ले रखा ना सीधा उसके, समझ रहा है ना तू? क्रेजी दक्ष इधर आसपास है क्या वो? अरे यार बिल्कुल फक्कड़ बंदा है, मतलब शेप ही हो जाता है वो। मेरे को अपनी वाइफ से बुलाते है, मेरे से शादी वादी नहीं हुई। अरे मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ फिर भी बुलाता है। उसके सारे व्लॉग्स में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मेरे को देता है, पता नहीं क्यों। सिर्फ 3 बार ही मिले फिर भी कैमरा लेके आ जाता है पीछे पीछे। मतलब मेरी वीडियो अपलोड होने का और उसके उस पे कमेंट आने का दोनों का नोटिफिकेशन मेरे को साथ ही में आता है। बहुत फटती है मेरी उससे। I've spoken about him for more than 15 seconds now. I suddenly feel his presence here. अरे ये लड़की कितना डरी हुई है, इसके दिल में क्रेजी दक्ष के लिए कितना खौफ है, कितनी दहशत है। अरे ये बंदा तो वैसी दरिंदा है। मैं अपनी आवाम से यही विनती करना चाहूंगा कि आप अपने साथ एक पेपर स्प्रे जरूर रखिए। अगर आपको क्रेजी दक्ष कभी स्टॉक कर रहा हो या कभी आपको इंटरव्यू लेने के लिए आपके पीछे पड़ा हो तो पेपर स्प्रे निकालना और उसकी आंख में और उसकी गौन में। क्रेजी दक्ष मोर लाइक क्रेजी चूतिया साला बहन जो उसने मेरे बाद यूट्यूब शुरू करा और आज की डेट में मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए। 9,000 के 9,000 सब्सक्राइबर्स उसके फेक एफेक्स साला पैसे देख के खरीदता है। वीडियो तो पता नहीं क्या ही बनाता है, सड़कों पे जा जाके क्या दिल्ली की लड़कियां ये करती, क्या दिल्ली की लड़कियां वो करती, क्या ये इससे ज्यादा साले तो कुछ कर भी नहीं सकता। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कैमरा है डज नॉट मीन कि तुम यूट्यूबर बन सकते हो। यूट्यूबर बनने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, शक्ल चाहिए होता है, टैलेंट चाहिए होता है, इन योर केस हाइट भी चाहिए होती है। यार लड़की क्या बोली है, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। अरे इसे कोई ब्रेवरी अवार्ड दे दो मेरी तरफ से, इसने जो भी बोला है सब सत्य बोला है। सिर्फ एक चीज इसने गलत बोल दी कि अगर आपके पास कैमरा हो। अरे क्रेजी दक्ष के पास कैमरा ही नहीं है, अरे गरीब है, एकदम भीख मंगा है वो, तो भिखारी, वो किसी और का यूज करता है अपने दोस्त का कैमरा। अरे चलिए हम उसके दोस्त से पूछते हैं कि क्रेजी दक्ष के बारे में उसका क्या कहना है, क्या पता उसका दोस्त ही कुछ अच्छा बोल दे। क्रेजी दक्ष मुझे बॉक्स में शूट करना पसंद नहीं है, मेरा दोस्त है इसलिए जबरदस्ती करा था, आज तक उसने मुझे पे भी नहीं किया है। ये चूतिया बंदी फायदा उठा रहा है साला वो उसी का मेरा, इसको मैं समझा रहा हूँ इतना, मतलब पागल बैठा हूँ क्या मैं यहाँ? आपने भी ऐसा देखा कि नीलेश कितना खुंदस में आ गया। अरे भाई हमारा रिपोर्टर बार बार बचा है, बेचारा भागता नहीं तो भैया उसका तो पता नहीं क्या ही हो जाता। इससे एक बात प्रूव हो गई है कि क्रेजी दक्ष जो है वो तो सांप है, सांप सबको डसेगा वो। बस यार बहुत हो गया, अब मैं नहीं बोल रहा इसके बारे में कुछ। अरे यार आई एम डन विद इट। अरे यार क्या बोलूँ इसके बारे में, शक्ल इसकी टट्टी जैसी, एक्टिंग इसको आती नहीं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो अपलोड होती नहीं। यार बस यार आई फील सो डर्टी आफ्टर टॉकिंग अबाउट हिम। बस यार मैं तो जा रहा हूँ यार, गंगा नहाने जा रहा हूँ, मैं अपने पाप धोने जा रहा हूँ, बस यार खत्म करो यार। यार क्या है यार, यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा होगा यार मेरे पास तो इतना कुछ बोलने को था ही नहीं। अरे यार क्या बोलूँ ऐसे इंसान के बारे में। लेकिन अगर आपके पास कुछ बोलने को है, अच्छा हो या बुरा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, लिख दो इस बंदे को सच्चाई तो पता चले इसके बारे में, इसको बहुत धोखा है अपने बारे में। और अगर आपको मैं एज अ होस्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, और प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमें क्रेजी दक्ष जैसे लोगों से इस दुनिया को बचाना है, इस दुनिया को अवेयर करना है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करो, 10,000 होने वाले हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और यूट्यूबर का रोस्ट करूं या किसी भी बंदे का रोस्ट करूं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड आई विल ट्राई टू रोस्ट दैट गाय। ओके बाय टाटा। क्या हुआ फोन मास्कम, फोन है ना तेरे पास, कोई बात होगी पैंचो कुत्ती औलाद, शर्मा जी के बेटे को देखो। दैट टाइप ऑफ डायलॉग्स। कौन है शर्मा जी का बेटा?